गाइस, ज़ाडोग एफसी इज़ बैक विद अनदर वीडियो और आज हम आपको बताएंगे कि ड्रिबल कैसे करते हैं मेसी की तरह। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको वो पोजीशन देखना है जिस पोजीशन से आपको बॉल हिट करना है अपने स्टड के वहाँ से। तो वो पोजीशन होता है यहाँ से, राइट लेग प्लेयर के लिए यहाँ से और लेफ्ट के लिए यहाँ से। तो मेसी लेफ्टी है और मैं राइटी हूँ, तो मैं राइट का यूज़ करूँगा। तो आपको यहाँ से हिट करना है बॉल को, यूँ स्टार्ट करना है आपको। तो गाइस, आपको ये टच को मास्टर करने के लिए आपको सर्कल वाइज घूमना है। आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, आपको अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे सीधा होके इसका ऐसे ऐसे ड्रिबल करेंगे तो आप इसमें प्रॉब्लम आएगी। बट आप थोड़ा सा अपना नी बेंड करेंगे ऐसे, इस पोजीशन में आप अपना ड्रिबल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और रिमेंबर, आपको शोल्डर थोड़ा सा झुकाना है। मेसी भी हर टाइम ऐसे ही ड्रिबल करता है, वो लाइटली बेंड हो रखा होता है, तो हमें बेंड होके ड्रिबल करना स्टार्ट करना है। सो गाइस, स्टेप 3 ये है, अगर आपको मेसी का क्लोज कंट्रोल वाला ड्रिबलिंग स्किल लर्न करना है तो इसलिए आपको ड्रिबलिंग करने के टाइम आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। अगर आप ज़्यादा लंबा स्टेप लेंगे तो कोई दूसरा ओपोनेंट आके वो आपसे ले सकता है, बट आप जितना क्लोज ड्रिबल करेंगे उससे आपका फ़ायदा होगा। आप कोशिश करिए हर स्टेप में ड्रिबल करने का, और हर स्टेप में ड्रिबल करने के लिए आप हर टाइम ज़्यादा लंबा मत लीजिए, छोटा लीजिए यूँ। बट अगर आपने ज़्यादा लंबा ड्रिबल करा तो बॉल आपसे मिस होने के बहुत चांसेस है। और मेसी का ये स्टाइल रहता है कि वो हर टाइम क्लोज ड्रिबल करता है और उसका क्लोज कंट्रोल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। मेसी छोटे टचेस लेता है और वो अपने हर स्टेप में ड्रिबल करने की फुल कोशिश करता है। तो अगर आपको ये चीज़ मास्टर करनी है तो आपको छोटे से छोटा टच लेके इसको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं करी तो आपसे छोटे टचेस नहीं हो पाएंगे। और बहुत लोगों से यही चीज़ करने में बहुत गलतियाँ होती है, कोई बहुत ज़्यादा ही लंबा टच ले लेता है, ओपोनेंट आके बॉल तब तक उनसे छीन के ले जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे टचेस लीजिए और इसे डेली प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। और अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट से करिए, राइटी है तो राइट से करिए। बट आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप कोन का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं होगा। ट्यूटोरियल मास्टर करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपको उसको ध्यान में रखते हुए डेली प्रैक्टिस करना होगा। और मेसी को भी ये ट्रिपलिंग स्टाइल को मास्टर करने के लिए कितने साल लग गए, अगर विदाउट हार्डवर्क के आपसे मास्टर नहीं होगा। सो गाइस, आप डेली प्रैक्टिस करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।